नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल दोस्त में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फुसिडिल बी क्रीम के बारे में। तो दोस्तों, आप किन किन बीमारियों में इस क्रीम का उपयोग कर सकते हैं, आपको कब लगानी है, क्या साइड इफेक्ट है, उसके बारे में हम आज पूरे विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, ये 10 ग्राम की क्रीम आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट पर मिल जाएगी। MRP की बात की जाए तो MRP 80 रुपये इस क्रीम की MRP है। और इस दवा को मैन्युफैक्चरिंग करता है LIO कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। सॉल्ट की बात की जाए तो इसमें फुसिडिक एसिड एंड बेक्लोमेथासन ऐसे 2 सॉल्ट मिलाए गए। तो अब दोस्तों जान लेते हैं किन किन बीमारी में इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। तो इस क्रीम का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्जिमा की समस्या है, इम्पेटिगो की समस्या है, स्किन पर फोड़ा या फुंसी हो गया है, नाखून में फंगल इन्फेक्शन है, स्किन में कोई इन्फेक्शन है, स्किन रेशेस, स्किन पर लालपन पड़ना, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। तो अब जान लेते हैं इस क्रीम का आपको उपयोग कैसे करना है। तो आपको स्किन में कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद इस क्रीम का उपयोग आप करें, सुबह और शाम 2 टाइम इस क्रीम का उपयोग करें, या फिर एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह लें उसके बाद ही आप इस क्रीम का उपयोग करें। दोस्तों, इस क्रीम को लगाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे कि खुजली होना, जलन, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखे तो एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, आप अपनी मर्जी से इस क्रीम का उपयोग ना करें, एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लें उसके बाद ही आप इस क्रीम का उपयोग करें। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।